वहां पे नॉकडाउन कर दिया गया है। तो टीम ओआर का यहां पे फाइट चलता हुआ टीम आरआईपी के साथ, मावी के एक बार पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पहुंचते हैं। एंड फिलहाल के लिए कोई ऐसी तो बात नहीं है कि यहां पे फिनिश कर दिया जाएगा, लेकिन ओआर यहां पे किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करती है वही देखना होगा। वहीं पर आरआईपी के जो स्पाई है वो यहां पे आ गए, वहीं पर K9 का फाइट होता है टीम जी के साथ। तो आई थिंक ये पुचिंग की साइड फाइट चल रहा है, लेट्स सी कि किस तरह का गेम प्ले जो है वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे देखते हैं फिलहाल के लिए ओआर वर्सेस टीम आरआईपी, वहीं पर जो पीडी है एक और प्लेयर यहां पे नॉकडाउन होता है, वहीं पर टीम सोल का भी फाइट होता हुआ। तो एक बार चलते जल्दी से टीम सोल की तरफ। एंड यहां पे लगातार प्लेयर्स नॉकडाउन हो गए, क्लच गॉड नॉकडाउन हो चुके हैं, वाइपर नॉकडाउन हो चुके हैं, मॉर्टल इकलौती उम्मीद यहां पे टीम के लिए। क्रेटोस को वहां पे पूरा का पूरा फिनिश किया, तो एक किल जो है वो अपनी 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 पूरी की पूरी यहां पे सिक्योर कर ली है। वहीं पर मेरे हिसाब से अब रश होगा मॉर्टल, क्या एक भी प्लेयर को यहां पे अपने उठा पाएंगे? स्मोक मेरे हिसाब से डाल दिया गया है। वहीं पर जो आईएनडी ट्रांस है, दलजीत है यहां पे, स्लेयर है, मेरे हिसाब से एक डायरेक्ट रश जो है वो उनकी तरफ से करना चाहिए। वहीं पर उनको दूसरी तरफ से भी शॉट पड़ते हैं एंड पूरा का पूरा स्मोक में यहां पे स्प्रे कर रेगल टॉस यहां पे अभी भी नॉकडाउन है। मॉर्टल अकेले क्लच कर पाएंगे, एक और प्लेयर यहां पे नॉक करके मेरे हिसाब से फिनिश करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ट्रांस का कवर आया एंड टीम सोल यहां पे दूसरी टीम बनती हुई इस मैच के इस पहले मैच में फाइनल में, जो यहां से वाइप आउट हो जाएगी एंड शिकार बने टीम आईएनडी का। आईएनडी ने भी यहां पे एक प्लेयर अपने खोया है, स्लेयर को फिनिश करने की कोशिश की थी वहां पे मॉर्टल ने, लेकिन एचपी जो थी वो इतनी थी नहीं कि वहां पे टैकल कर पाते। एंड टीम सोल इस मैच से यहां पे फिनिश हो चुके हैं। वहीं पर आईएनडी को 8 किल्स मिलती हुई, आईएनडी शुरुआत में 4 किल निकाल चुकी थी, 4 किल यहां पे टीम सोल को उन्होंने फिनिश किया है। तो आईएनडी ऑन फायर राइट नाउ, क्योंकि किल पॉइंट भी जुड़ने वाले, रैंक पॉइंट भी जुड़ने वाले। वहीं पर दोबारा पहुंचते टीम आरआईपी वर्सेस टीम ओआर, और इस ड्रॉप किस तरह से टैकल करने वाली। वहीं पर मावी ने नरूटो को नॉकडाउन किया एंड इसी के साथ जो मावी जो आखिरी बचे प्लेयर थे टीम ओआर के वो यहां से फिनिश हो जाएंगे एंड टीम आरआईपी को भी यहां से किल्स मिल जाएंगी। तो लेट्स सी कि ये क्या सीन होने वाला है। आरआईपी को यहां से 4 किल मिल गई एंड जो 4 प्लेयर्स की लूट मिलेगी उन्हें वो अलग। तो यहाँ पे अर्ली फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। हम लोग ऐसे मोमेंट पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आखिर में जाकर पूरा का पूरा जो फाइट है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, थर्ड पार्टी जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड्स को लेकर भी फाइट है एंड जिस तरह से दोनों लातियां टकराई एंड यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ से घेर के रखा हुआ है जोनाथन बिल्कुल डिफरेंट एंगल से एंड बिल्कुल सामने से अगर आप निकलोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। घातक वहां पे नॉकडाउन है, वहीं पर जिग्सॉ को नॉकडाउन कर दिया गया, वहीं पर एक और प्लेयर नॉकडाउन होता हुआ फ्री की अकेले बचे यहाँ पे फिलहाल के लिए। एंड बिल्कुल एंटिटी के बीच में से अगर आप इस तरह से गाड़ी निकालोगे तो एंटिटी छोड़ेगी नहीं। वहीं पर एंटिटी फिलहाल के लिए अपने सारे प्लेयर्स को रिकवर कर लेगी, जॉनसन को वहां पे रिकवर कर लेगी। वहीं पर एक और प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन होता हुआ, तो टीम में सिर्फ फ्री की अकेले के एक प्लेयर के साथ यहाँ पे बची हुई और उनको भी शॉट पड़ते हुए। अगर इस गाड़ी पे थोड़ा और स्प्रे यहाँ पे पड़ गया तो पूरी की पूरी गाड़ी बर्स्ट हो सकती है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि फ्री की फिलहाल के लिए यहाँ पे निकल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से क्या करने वाले हैं देखना होगा। एंड यहाँ पे लॉन्ग रेंज फिलहाल यहाँ पे फाइट चलती हुई, वहीं पर M249 टेम्पेस्ट के पास M249 नजर आती हुई, नियो यहाँ पे दो तरफ से स्प्रे आता हुआ एंड मेरे को तो लगा गाड़ी फटेगी सीधा फिनिश होंगे, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। बहुत ही ज्यादा स्टेबल स्प्रे, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट स्प्रे, नियो दोबारा से नॉकडाउन होते हैं एंड इस बार बचाने का कोई मतलब नहीं है, वो भी बगी के साथ बचाने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ टीम आईएनडी यहाँ पे फाइट लेती हुई नजर आ रही है। इस तरह से अगर गाड़ी रोकी तो टीम आ रही थी छोड़ने वाली नहीं है, मेरे हिसाब से एक ऑटो स्प्रे जाना चाहिए, लेकिन वहां पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जोनाथन को कनेक्ट किया एंड काफी कम एचपी के साथ बचे, जोनाथन को वहां पे नॉकडाउन कर दिया गया। तो एनटीटी काफी ज्यादा दिक्कत में यहां पे नजर आती हुई, ऑलरेडी नियो को खो चुके हैं जोनाथन। बहुत ही प्यारा कनेक्ट, दो बुलेट्स वहां पे लगी, सिर्फ दो बुलेट्स वहां पे लगी, वो भी सीधा हेड पे जाके एंड वहां पे आरआईपी ने टीम्स। आप लोग मेरे को बताओ कि यहां से कौन सी टीम जीतने वाली है, क्या वो टीम सिनर्जी होने वाली है या फिर जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया। वहीं पर ऑस्टिन ने दो प्लेयर नॉकडाउन करके पूरा का पूरा यहां पे जो किल है वो सिक्योर कर लिया है। यहां पे कोई भी मौका बनेगा नहीं अपने प्लेयर को उठाने का, उन्होंने अपना काम कर दिया, अपनी टीम को थर्ड से सेकंड तक लेकर आ गए हैं। हील बैटल यहां पे चालू है टीम आरआईपी 1v4 सिचुएशन, पू के पास कोई भी यहां पे चारा नहीं है एंड यहां पे इजीली फिनिश कर दिया जाएगा। तो विनर विनर चिकन डिनर फॉर टीम आरआईपी, चारों तरफ बंदों ने मारा है भाई, 360 मारा भाई 360।
बेस्ट यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया क्लच गॉड को, पोर्टल नीचे कूदे एंड जो एनिमेशन था वो यहाँ पे काम बिगाड़ गया पूरा का पूरा मेरे एनिमेशन। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया देते हुए एंड वहां पे नियो को नॉकडाउन कर दिया गया। वहीं पर जो पूरी की पूरी टीम ओआर बिल्कुल ओआर अच्छे से जानती है कि यहाँ पे यही एक मौका बनता हुआ। वहीं पर जोनाथन को भी नॉकडाउन कर दिया गया घुस के एंड मेरे हिसाब से पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। तो टीम एनटीटी जो है आई थिंक एक प्लेयर के साथ अभी बची हुई है, वो है एनटीटी के वीरू, उन्होंने यहाँ पे स्मोक किया हुआ है। एंड ओआर की जो टीम है बहुत अच्छे जानते हैं जहां पर स्मोक वहीं पर खिलाड़ी होगा। एंड संधू को एक बार देखना पड़ेगा, पूरा फिनिश कर दिया मेजर अल्फा ने फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे ओआर की टीम को तो नहीं मिली, वहीं पर मेजर अल्फा कोशिश करेंगे कि एक और प्लेयर को यहाँ पे फिनिश कर दे। काफी ज्यादा स्पॉटेड है, दूसरी तरफ से टीम आईएनडी आ जाएगी। वी आर डाउन टू टॉप टू टीम्स, यहाँ पे टीम आईएनडी बची हुई है एंड टीम ओआर बची हुई है। ओआर के एक प्लेयर जो है वो यहाँ पे नॉकडाउन है पूरी तरीके से एंड यहाँ पे दलजीत को भी नॉकडाउन करके रखा हुआ है। वहीं पर क्रटोस जो है वो भी कोशिश करते हुए, तो जो पूरा सिचुएशन है वो है 3-3 का, लेकिन दोनों के एक एक प्लेयर जो है वो नॉकडाउन है। तो सिचुएशन ओके, दो प्लेयर्स यहाँ पे नॉकडाउन है, कैरी अकेले बचे हुए, कैरी के पास यहाँ पे रश करने के अलावा कोई सिचुएशन नहीं है। 1-1 सिचुएशन, आईएनडी ट्रांस को यहाँ पे फिनिश कर दिया कैरी का 1-3 एंड इसी के साथ ऑरेंज रॉक इस मैच को जीतते हुए टोटल नंबर ऑफ 6 किल के साथ आखिरी फिर तरफ एक बहुत ही प्यारा लेकिन स्टेबल होना बहुत जरूरी, बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक मौका दे दिया F4 के जो वाइपर है उनको हिलने का मौका भी नहीं दिया। एंड यही एक मौका है जहाँ पे क्लच गॉड और रिगल टॉस दोनों को साथ में जाना पड़ेगा। पिछले मैच की गलती इस बार बिल्कुल नहीं दोहरानी है यहाँ पे टीम को। एक मॉली जरूर डाला लेकिन वो नीचे ही रह गया एंड यहाँ पे टीम F4 आती हुई। तो एक बार बर्ड आई व्यू से चलते इस पूरी सिचुएशन को देखने क्योंकि वाइपर भी उनके जस्ट नीचे आ चुके हैं एंड रेगल टॉस और क्लच गॉड जो है वहां पे उठा लिया गया F4 का। बहुत ही प्यारा वाइपर, एक M24 का फटका वाइपर को पड़ता हुआ एंड क्लच गॉड को नीचे से नॉक डाउन कर दिया गया। दूसरी तरफ से अगर रेगल टॉस ने यहाँ पे सिचुएशन संभाल लिया है इसका मतलब F4 के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है क्योंकि किसी भी तरह की कैजुअलिटी यहाँ पे टीम सोल जो है वो लेना नहीं चाहेगी। ग्रेनेड आया, बहुत ही प्यारा ग्रेनेड आया वाइपर अच्छे से यहाँ पे समझते हुए, वहीं पर एक मौका यहाँ पे ढूंढते वहीं पर बिल्कुल सामने आए एंड पूरी की पूरी जो टीम है F4 की यहाँ से फिनिश हो जाएगी। टीम सोल को यहाँ पे अर्ली किल्स मिलती हुई, यस टीम सोल के साथ फाइट ले रहे हैं। क्लच गॉड यहाँ पे जस्ट उतरे ही थे, मेरे हिसाब से जब उतरते हैं और साइड में गाड़ी फूटते हैं तो नॉकआउट होता है बंदा। वो उतर चुके थे, हम लोगों ने देखा वो उतर चुके थे लेकिन इतना इनफ नहीं था कि वहां पे जो गेम है वो समझ पाए कि उतरे लेट जो है वो यहाँ से फिनिश हो जाएंगे। 7 प्लेयर अलाइव है, 4 प्लेयर है ऑरेंज रॉक के, 3 प्लेयर से आरआई पे गए। फर्स्ट मैच की विनर टीम, सेकंड मैच की विनर टीम एक दूसरे के सामने, कौन सी टीम यहाँ पे जीतने वाली है। कैरी को नॉकडाउन कर दिया गया एंड कैरी को यहाँ पे मेरे हिसाब से उठाना जाएगा पूरी तरीके से। ग्रेनेड जाता हुआ, लॉन्ग थ्रो ग्रेनेड जाता हुआ एंड यहाँ पे डैमेज तो नहीं किया, किसी को भी कनेक्ट नहीं किया। क्या आरआईपी के पास सर्कल है पूरा का पूरा, रिज उनके पास है एंड यहाँ पे आरआईपी क्या इस सिचुएशन को संभाल पाती है वो देखना होगा। आप लोग मेरे को कॉमेंट करके बताओ क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पे जीतने वाली है, क्या वो आरआईपी होगी या फिर ऑरेंज रॉक, जिस तरह से कैरी ने लास्ट मोमेंट पे पिछले वाले मैच में सिचुएशन संभाली थी क्या उस तरह की चीज देखने को मिलेगी। आरआईपी लगातार ग्रेनेड, टेम्पेस्ट को हम लोग देख सकते हैं लगातार पूरा का पूरा ग्रेनेड मारते हुए एंड यहाँ पे आई थिंक जो नरूटो को वहाँ पे जो पूरा का पूरा ग्रेनेड है वो कनेक्ट कर चुका है। मावी का जो अगर लोकेशन की अगर हम बात करें, मावी का जो स्पॉट है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वाला स्पॉट है लेकिन कुछ और कर नहीं सकते, ऑरेंज रॉक सर्कल के अंदर आना है। मावी का अगर यहाँ से एक ग्रेनेड गया या फिर अगर एक स्प्रे के साथ यहाँ पे एक प्लेयर को पूरा का पूरा फिनिश भी करते हैं या फिर नॉक भी करते हैं तो आरआईपी का पूरा का पूरा जो ध्यान है वो मावी और कैरी की तरफ हो जाएगा। वहीं पर टेम्पेस्ट को नॉकडाउन कर दिया गया तो ऑरेंज रॉक के लिए एक सही मौका बनता है। नरूटो डाउन हो चुके हैं, स्काई जो है वो दोनों तरफ से गिर जाएंगे एंड एक प्लेयर को भी यहाँ पे डाउन नहीं कर पाएंगे। तो विनर विनर चिकन डिनर यहाँ पे टीम आरआईपी वर्सेस ऑरेंज रॉक देखने को मिलता है लास्ट में एंड ऑरेंज रॉक इस मैच को जीतती हुई और सिर्फ ना जीतती हुई बहुत सारे किल्स के साथ जीतती हुई।